दोस्तों, सेबी का सर्कुलर कुछ महीने पहले आया था। ये सबको पता है, मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर। तीन तीन महीने के अंतराल के बाद कुछ ना कुछ परसेंटेज मार्जिन कम होता रहेगा और आपको देना पड़ेगा पैसा। ब्रोकर अब आपको मार्जिन प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन इसमें लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने प्लिया भेजा है, रिस्पॉन्स मांगा है सेबी से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बताइए क्यों ये सर्कुलर को लागू किया जाए। ऐसा क्यों हुआ है, क्या है पीछे की कहानी, आगे चल के क्या हो सकता है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जस्टिस जयंत नाथ जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में बैठते हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को नोटिस इशू किया है, आस्किंग कि अपने रिप्लाइज दें इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर कि ये सर्कुलर क्यों लाया जाए। हालांकि कोर्ट ने मना किया है सर्कुलर पे स्टे लगाने को अभी, लेकिन 2 मार्च अभी इसी साल 2021 में इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। इस प्लिया को फाइल किया है एक डिस्काउंट ब्रोकर जिसका नाम है विजडम कैपिटल। उनके डायरेक्टर जो खुद ही प्लिया में बेसिक लेवल पे अपीयर हुए हैं, उनका नाम है देबू प्रसाद मुखर्जी। उनके अनुसार इस सर्कुलर के आने के कारण डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट के ओवरऑल टर्नओवर के ऊपर, स्पेशली इंट्राडे एंड डेरिवेटिव लेवल पे। अब ये एक ही इंडस्ट्री है जो कि कोविड के बाद भी, कोरोना के लॉकडाउन के बाद भी खड़ी रही है और सर्टेन लेवल पे इसने जो भी प्लेयर्स रहे हैं इंडस्ट्री में उनको मुनाफा दिया है। हालांकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज भारत की बंद रही थी और अभी भी निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसको टच नहीं किया जाना चाहिए और ये पर्टिकुलर सर्कुलर डायरेक्टली उसी डायरेक्शन में है। दूसरी चीज़, इन्होंने एक एंगल और पकड़ा है कि इनके अनुसार अगर टर्नओवर कम होता है तो सरकार का स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे दोनों जगह एक तरीके से टैक्स भी खत्म होता है, तो यहाँ पे सरकार को भी नुकसान है अगर ये सर्कुलर आता है तो। अब मार्जिन का कॉन्सेप्ट तो भारतीय मार्केट में नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में सालों से हैं, दशकों से है। तो सर्टेन लेवल पे एक ऐसा सर्कुलर आ जाना, एक ऐसा नोटिस आ जाना कि ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा या बिल्कुल लिमिटेड कर दिया जाएगा, एक तरीके से एक रेवोल्यूशनरी ही आइडिया है। ये सर्टेन लेवल पे इंडस्ट्री को सिक्योर तो बनाता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम ओवरऑल इंडस्ट्री को छोटा भी करता है टर्नओवर लेवल पे। ये फैक्ट है, कुछ ब्रोकिंग फर्म्स के फाउंडर्स ने ये पहले भी बोला है और हम पहले भी इस तरह के वीडियोस लेके आ चुके हैं। लेकिन अब कोर्ट इन्वॉल्व हुआ है, कोर्ट ने पहले इस चीज़ को मना कर दिया था सुनने से, लेकिन इस बार दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आप बताइए अपनी बात प्लिया के ज़रिए, और अब जाके ये बॉल गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेबी के पाले के अंदर। अब आप देखिए कि आगे चल के ये रिस्पॉन्स क्या देते हैं और किस तरीके से ये टर्न आउट होता है। देखिए, ज़रूरत भी है, बहुत सारे ब्रोकर्स इसमें जुड़ सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड तरीका निकाला जाए ताकि पूरी इंडस्ट्री इम्पैक्ट भी ना हो और ओवरऑल इंडस्ट्री एक ट्रेडर के लिए, स्पेशली छोटे रिटेल ट्रेडर के लिए सेफ भी रहे। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो का मकसद ये था आपको बताना कि कुछ डेवलपमेंट हुई है और हम कोशिश करते रहते हैं कि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंचे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह की न्यूज़ सिर्फ यहीं पर मिलती है टाइम के साथ, और शेयर करना मत भूलिए। बाकी दोस्तों को भी बताइए क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच, बाय।